हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैनन यूएस 200D मार्क टू और कैनन यूएस 200D के कंपैरिजन के बारे में। ये दोनों DSLR में क्या डिफरेंस है। कैनन यूएस 200D मार्क टू कैनन यूएस 200D का अपडेटेड मॉडल है। कुछ ये नया स्पेसिफिकेशन के साथ आया हुआ है। कैनन यूएस 200D ये जो लॉन्च हुआ था 2017 जून मंथ में, और कैनन यूएस 200D मार्क टू जो ये मई मंथ में लॉन्च हुआ है 2019 में। तो इसके क्या स्पेसिफिकेशन, क्या डिफरेंस है, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहले मेगापिक्सल से शुरू करते हैं। कैनन EOS 200D मार्क टू में आपको हाई इमेज क्वालिटी विद 24.1 मेगापिक्सल सीमोस APS-C सेंसर मिलेगा। कैनन EOS 200D में आपको 24.2 मेगापिक्सल सीमोस APS-C सेंसर मिलेगा। ये दोनों का ही इमेज क्वालिटी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का फोटोज़ या इमेज क्वालिटी या वीडियोस आपको हाई डायनेमिक रिच फाइन डिटेल्स और रिच कलर में आपको मिलेगा। कैनन EOS 200D मार्क टू में डिजिक 8 इमेज प्रोसेसर है, जो फास्ट एंड एक्यूरेट ऑटो फोकसिंग करता है, और इसमें आपको 4K वीडियो दिया हुआ है। कैनन यूएस 200D में आपका डिजिक 7 इमेज प्रोसेसर दिया हुआ है। कैनन यूएस 200D मार्क टू और कैनन यूएस 200D में दोनों में ही फास्ट एंड एक्यूरेट डुअल पिक्सल सीमोस ऑटो फोकस विद आई डिटेक्शन ऑटो फोकस है, जिसमें आपको डुअल पिक्सल हेल्प करता है फास्ट एक्यूरेट ऑटो फोकस करने में। जो आप चाहते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट को एक्यूरेट जगह में आप फोकस करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये हेल्प करता है। दोनों DSLR में वेरी एंगल टच स्क्रीन 3 इंचेस का LCD दिया हुआ है, जो आपको अपवर्ड शॉट डाउनवर्ड शॉट में आप हेल्प कर सकता है। और ये टच स्क्रीन है जो आपको फोकसिंग में बहुत फास्ट एक्यूरेट हेल्प करेगा। आप अगर चाहते हैं कि लाइव व्यू मोड में अगर फोकस करके लेना चाहे, अगर टच करते हैं तो एकदम फास्ट और एकदम एक्यूरेट फोकस करके वो क्लिक करेगा। कैनन यूएस 200D मार्क टू में आप 4K शूट कर सकते हैं, फुल HD शूट कर सकते हैं, HD शूट कर सकते हैं, HDR मूवी शूट करते हैं, 4K टाइमलेप्स मूवी भी शूट कर सकते हैं, फुल HD टाइमलेप्स मूवी शूट कर सकते हैं। इसमें आपको टाइमलेप्स का 3 ऑप्शन मिलेगा आपको, एक सीन 1, सीन 2, सीन 3। आप उसमें ऑप्शन, इसमें आपको एडिशनल ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और कैनन यूएस 200D में आपको फुल HD शूट कर सकते हैं, और इसमें टाइमलेप्स का ऑप्शन दिया हुआ है, एक नॉर्मल टाइमलेप्स का ऑप्शन दिया हुआ है। कैनन यूएस 200D में मूवी डिजिटल IS का ऑप्शन दिया हुआ है, जो 5x6 तक इमेज स्टेबलाइजेशन करता है, जो स्मूथ मूवीज मोशन और शेक को कंट्रोल करता है। वही कैनन यूएस 200D में आपको ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कैनन यूएस 200D मार्क टू में ISO आपका 100-25600 स्टील में मिलेगा, और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 51200 तक, और वीडियो में आपको मिलेगा 100-12800। सेम कैनन यूएस 200D में आपको स्टील में आपको 100-25600 तक मिल जाएगा, और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 51200 तक, और वही वीडियो में 100-12800 तक मिलेगा। और ये दोनों का ही जो लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें इमेज क्वालिटी आपका इमेज क्वालिटी में ज़्यादा ग्रेन्स नहीं मिलेगा एट हाई ISO। EOS 200D मार्क टू में कैनन EOS 200D में दोनों में ही 9 ऑटो फोकस पॉइंट दिया हुआ है। आप इजली आप फोकसिंग कर सकते हैं, और बहुत ही फास्ट फोकसिंग करता है। इसका जो सेंटर ऑटो फोकस पॉइंट है, जो ऑटो फोकस क्रॉस टाइप सपोर्टिंग एट 5.6, और सेंटर ऑटो फोकस इज वर्टिकल लाइन सेंसिटिव सपोर्टिंग f2.8। कैनन यूएस 200D मार्क टू में आपको वाईफाई और ब्लूटूथ कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी मिलेगा विथ वाटर इमेज ट्रांसफ़र। मतलब आप जब जिस समय आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, अगर आपका वाईफाई कनेक्ट है तो ऑटोमेटिक वो इमेजेस आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो इमेजेस आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। जो ये ऑप्शन कैनन यूएस 200D में नहीं दिया हुआ है, उसमें बिल्ट इन वाईफाई कैपेबिलिटी ब्लूटूथ दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है। एडिशनल आप ये दोनों, आप बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐप्स एक इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो ऐप्स का नाम है कैनन कैमरा कनेक्ट, कैनन कैमरा कनेक्ट, और ये आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं कैनन इमेज गेटवे के थ्रू फेसबुक और यूट्यूब में। एक वाईफाई बटन कैनन यूएस 200D में
आप कैनन EOS 200D मार्क टू में कैमरा टू कैमरा का ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जो कैनन EOS 200D में आपको मिलेगा। कैनन EOS 200D मार्क टू में डेडिकेटेड वाईफाई बटन नहीं दिया हुआ है। कैनन उसमें आपको मेन्यू में एक बटन दिया हुआ है। कैनन EOS 200D में आपको डेडिकेटेड एक वाईफाई बटन दिया हुआ है। कैनन EOS 200D में NFC सपोर्ट नहीं करता है। कैनन EOS 200D में आपको NFC सपोर्ट करता है। ये दोनों DSLR में आपको GPS का ऑप्शन मिल जाएगा। कैनन EOS 200D मार्क टू में आपको एक क्रिएटिव असिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, जो ये नया न्यूली इंट्रोड्यूस ऑप्शन किया हुआ है कैनन EOS 200D मार्क टू में। ये ऑप्शन आपको ऑटो मोड में मिल जाएगा, जो आप कोई भी कलर टोन को चेंज कर सकते हैं और फोटो क्लिक कर सकते हैं, जो कैनन EOS 200D में नहीं दिया गया है। कैनन EOS 200D में देखिए एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है फ्लैश को पॉपअप करने के लिए, जो आप इसको क्लिक करने से पॉपअप हो जाएगा। कैनन EOS 200D मार्क टू में ये मैनुअली आपको पॉपअप करना पड़ेगा। कुछ मोड्स बटन में चेंजेस आया हुआ है। देखिए इसमें आपको कैनन EOS 200D में थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन दे रहा है, इसमें कम ऑप्शन है। इसमें देखिए एक एडिशनल जो ऑप्शन है क्रिएटिव ऑटो का, और जो क्रिएटिव ऑटो इसमें नहीं है, इसमें एक क्रिएटिव असिस्ट का ऑप्शन है जो इनबिल्ट दिया हुआ है। ये थोड़ा मोड्स के बारे में भी देख लेते हैं। एक एक बटन को हम रोटेट करके देखेंगे। जैसे ये ऑटो हुआ, ऑटो में जैसे क्रिएटिव असिस्ट का इधर एक बटन है, तो उधर आपको क्रिएटिव ऑटो का एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। ये प्रोग्राम मोड है, ये भी देखिए हम प्रोग्राम मोड में किस तरह का, देखिए किस तरह का इसमें ऑप्शन आता है, वही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये ऑप्शन दिखाने के लिए हम आपको, फिर उसके बाद एक एक मोड करके हम, जैसे ये प्रोग्राम मोड हुआ, ये शटर स्पीड मोड हुआ, और इधर भी शटर स्पीड मोड होगा। फिर उसके देखिए सेम पूरा सेम ऑप्शन अपर्चर मोड है, ये भी अपर्चर मोड है, ये मैनुअल मोड है, ये भी मैनुअल मोड है। ये उसके बाद हम आते हैं क्रिएटिव फिल्टर्स, इसमें अभी क्रिएटिव फिल्टर्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद आते सीन्स, इसमें आपको सीन्स मिल जाएगा, स्पेशल सीन्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद आते क्रिएटिव ऑटो, जो इसमें ऑप्शन नहीं है वो क्रिएटिव असिस्ट, लेकिन क्रिएटिव असिस्ट बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। EOS 200D Mark II एंड कैनन EOS 200D दोनों ही स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट कैमरा है, जो इजली आप ये दोनों कैमरा को इजली आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, और ग्रिपिंग सेंस भी बहुत इसका अच्छा है, और दोनों का वेट अप्रोक्स सेम ही है। वेट मैं बता देता हूँ, कैनन EOS 200D मार्क टू का वेट है 449 ग्राम, माने 449 ग्राम इंक्लूडिंग बैटरी और कार्ड, और 402 ग्राम इसका बॉडी, और कैनन EOS 200D का वेट है 453 ग्राम इंक्लूडिंग बैटरी और SD कार्ड, और 406 ग्राम बॉडी। तो बहुत ही माइनर डिफरेंस में एकदम सेमी वेट का है दोनों कैमरा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।